अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे अंडा फ्राई कर रही हूँ। नाश्ता तो मैंने पहले बना लिया, अब मैं अंडा फ्राई करूँगी और हम सब नाश्ता कर लेंगे। और बच्चे भी स्कूल चले गए नाश्ता करके, तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी, तो किचन की कुछ सफाई करूँगी और किचन के जो काम होंगे वो भी मैं कर लूँगी। मैं किचन के सारे काम करके अब कमरे में आकर अपने कपड़े के तह लगाऊँगी, क्योंकि कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो मैं उन कपड़े को एक ही कपड़े को मैंने अच्छी तरह सेट किया और अब देखे मैंने अच्छी तरह अलमारी में ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। तो कपड़े सेट करके रखने से हमें परेशानी नहीं होगी कि कपड़ा निकालो, एक कपड़ा निकालो तो दूसरे गिर जाते हैं। तो आप अलग से तह लगा के और बनाएंगे, जैसे मैं 3 पीस की जोड़ी बना बना कर रख देती हूँ, तो निकालने में हमें परेशानी नहीं होती। तो मैं इसी तरह करती हूँ, तो मैं आके सब सेटिंग वगैरह की और फिर मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। जब मैं कपड़े की सेटिंग कर रही थी तो मैं सोची कि और दूसरे कपड़े की भी सेटिंग कर लूं, तो मगर इतना टाइम ही नहीं था, तो मैं सोची कपड़े खाना बना लूं दोपहर का। तब मैं किचन में आकर के स्पाइस जार वगैरह निकाली, तो देखी तो स्पाइस जार खाली थे, तो मैं मसाले के डब्बे निकाल के अब मैं सारे मसाले सब में डाल ली हूं। तो मैं थोड़े मसाले इसमें ऐड करती हूं क्योंकि इससे खुशबू निकल जाती है, तो मैं थोड़े थोड़े मसाले निकाल करके इस्तेमाल करती हूं। मसाले बच जाते हैं तो मैं एयर टाइट जार में रख देती हूँ, ताकि फिर दोबारा ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी। मैं ज़्यादातर साबुत धनिया मंगवाती हूँ, उसे रोस्ट कर करके और पीस कर एक जार में रख देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। साबुत ज़ीरा और पिसा हुआ ज़ीरा मैं दोनों मंगवा लेती हूँ, तो साबुत ज़ीरा मैं मंगवाती हूँ तड़का के लिए और बघाड़ के लिए। मैंने तो स्पाइसी मसाले वगैरह निकाल कर रख लिया है, तो अब मैं यहाँ पर सालन बनाऊँगी कलेजी का। कलेजी को मैंने अच्छी तरह धो लिया सिरका नमक और गर्म पानी के साथ। तो अब मैं यहाँ पे दो प्याज कटे हुए दरमियानी साइज़ के 2 प्याज कटे हुए मैं इसे ब्राउन करके निकाल लूँगी, और जो 4 प्याज बच गए हैं तो मैं इसी तेल में डाल दूँगी। अगर तेल कम लगेगा तो मैं इसमें और तेल ऐड कर दूँगी। तो मैं प्याज डाल करके अब इसमें खड़े गर्म मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी। जब मैं तली हुई प्याज ब्राउन करके अलग प्लेट में निकाल देती हूँ तो वो और भी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, तो वो लोग स्नैक के तौर पर ले खाते हैं। तो मैं बोलती बेटा इसे सालन में या बिरयानी बनाती बिरयानी में डालूंगी, तो वो लोग आधा ख़त्म कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो अब मैं यहाँ पे कलेजी को अच्छी तरह भून लूँगी और भून के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं मसाले आप सबको दिखा रही हूँ मैंने कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करूँगी। तो 1.5 चम्मच मैंने धनिया ले लिया है, 1 चम्मच जीरा है और आधा चम्मच से कम पिसी हुई मिर्च और आधा चम्मच से कम हल्दी। हल्दी कलेजी में मैं कमी ऐड करती हूँ, तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच से ज़्यादा मैंने नमक इसमें ऐड कर दूँगी। पहले मैं अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह इस कलेजी को भून ली, अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी। और मसाले इतने होते कि मैं बताते बताते भूल गई थी। अब यहाँ पे मैं सारे मसाले इसमें डाल के इसे अच्छी तरह भून ली और भून करके इसे कवर कर दूँगी। और जब मैं इसको लिड हटा रही हूँ तो इससे अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप भी ऐसी कलेजी का सालन बनाती हैं और इसे इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि इससे कैसी खुशबू आ रही है। तो मैं अब यहाँ पर कटे हुए 2 टमाटर ऐड कर दूँगी कलेजी में, और कलेजी में डाल के इसे अच्छी तरह चला कर इसे ढक दूँगी कुछ देर के लिए। टमाटर डालने से इसमें थिक सी ग्रेवी भी बनेगी और इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा कलेजी में। तो मैं इसे 2 से 3 बार इसे चेक कर रही हूँ और इसे ढक दे रही हूँ कुछ देर के लिए। मैं कलेजी में पानी ऐड नहीं की, बल्कि कलेजी अपने ही पानी में ही गल जाएंगे। तो मैं इसे चलाई और चला करके कुछ देर के लिए ढक दूँगी। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, तो मुझे नमक कम लगेगा तो मैं नमक और ऐड कर दूंगी। और जो मैं पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत तेज़ है, तो मैं कम ही इसमें ऐड करती हूँ। चिकन की कलेजी तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी पक भी जाती है और गल भी जाती है, क्योंकि बीफ की कलेजी थोड़ी हार्ड होती है तो उसे गलाना पड़ता है। मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी, और कलेजी बने और हमारे यहाँ ग्रीन चटनी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे बड़े बेटे को ग्रीन चटनी बहुत पसंद है कलेजी के साथ, तो मैं उसके लिए ग्रीन चटनी बना रही हूँ। 1 चम्मच केचप और 1 चम्मच ग्रीन धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी लेकर के मैं इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सी कुटी हुई मिर्च और नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करके चटनी बना ली, और ये चटनी मैं स्टोरेज बॉक्स में बना कर रख देती हूँ। धनिया पुदीना हरी मिर्च, कलेजी में मैंने 3 चम्मच दही भी ऐड कर दिया इसी दौरान। जब भी हमें चटनी बनानी होती है तो ग्रीन चटनी तो घर में बनी होती है, बस 2 चम्मच दही लेकर इसे मिला देती हूँ, थोड़ा सा कुटी मिर्च और नमक डाल करके हमारी चटनी हो जाती है रेडी। तो अब मैं यहाँ पे सालन तैयार होने पे आ गया,
तो अब मैं यहाँ पे तली हुई प्याज और धनिया पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ, और कलेजी मैंने दही भी ऐड किया था पहले। अगर हमारी कलेजी की रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। 1:30-2 बजे के दरमियान मैं छत पर गई तो देखी कि ये मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार हो गया, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, और यहाँ पर बूंदाबांदी भी तेज़ हो गई, तो यहाँ फर्श गीला भी हो गया। तो अब मैं नीचे आ गई, नीचे आकर के मैं लंच के लिए साग बना रही हूँ और बच्चों को सेब काट के दे रही हूँ, और बच्चे मदरसे के लिए तैयार हो रहे, तो मैं बोली बेटा आप लोग सेब खा लो फिर चले जाना। इसी दौरान बारिश तेज़ हो गई तो बच्चे घर पर ही हैं, बच्चे मदरसे नहीं गए, तो अब यहाँ पे बच्चे मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेले और बारिश इंजॉय कर रहे हैं, और वो बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि कराची में बहुत कम बारिश होती है। मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।